और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा का प्रदर्शन जारी है। शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया प्रदर्शन में मौजूद हैं। घनश्याम तिवारी, गुलाबचंद कटारिया भी प्रदर्शन में मौजूद है। शहीद स्मारक से भाजपा का ये मार्च है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा का ये प्रदर्शन है। शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया प्रदर्शन में मौजूद है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद है। शहीद स्मारक से ही भाजपा का मार्च निकाला गया और ये जयपुर से सीधी तस्वीरें। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बढ़ते अपराधों को लेकर ही भाजपा का ये प्रदर्शन है आज जयपुर में। अरुण चतुर्वेदी भी नजर आ रहे हैं इस प्रदर्शन में। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा का यह प्रदर्शन है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया प्रदर्शन में मौजूद हैं और शहीद स्मारक से भाजपा ने ये मार्च निकाला है। बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए शहीद स्मारक पर, जहां नारेबाजी भी हुई। भाजपा का प्रदर्शन यहां से शुरू हुआ और इसके बाद मार्च निकाला गया है। शहीद स्मारक पर ये सभी भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में और ये पैदल मार्च की तस्वीरें। बढ़ते अपराधों को लेकर लगातार भाजपा मुखर होती रही है जब भी कोई घटनाएं होती हैं, लेकिन आज जब इस प्रदर्शन आगाज किया भाजपा ने, बढ़ते अपराधों को लेकर ही ये प्रदर्शन है। भाजपा का ये बेहद अहम मुद्दा, जिस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं भाजपा की तरफ से कहना, और भाजपा के सभी दिग्गज शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अरुण चतुर्वेदी इस प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। भाजपा का ये मार्च है जो शहीद स्मारक से शुरू हुआ। सबसे पहले शहीद स्मारक पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, एकजुट हुए। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं और नेताओं के एकत्रित होने के बाद यहां से पैदल मार्च निकाला गया। शहीद स्मारक से भाजपा का मार्च तस्वीर। और चले सीधे रुख करते हैं, सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता नेता एकत्रित हुए और अब पैदल मार्च निकाला जा रहा है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे। श्वेता, ये जो प्रदर्शन है ये शहीद स्मारक से स्टार्ट किया गया था। शहीद सतीश पुनिया वहां पर पहुंचे थे, घनश्याम तिवारी वहां पर पहुंचे थे, अरुण चतुर्वेदी वहां पर पहुंचे थे, और ये जो पूरा प्रदर्शन है शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइन तक यहां पर आया गया, जहां पे 3 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें से 2 बैरिकेड जो है वो भाजपा ही तोड़ चुका है, और तीसरी बैरिकेडिंग पर यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर, घनश्याम तिवारी, सतीश पुनिया सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अपनी जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम भी उनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आज प्रदर्शन कर रही है उनको लेकर क्या कहेंगे? 2 बैरिकेडिंग आप तोड़ चुके, तीसरी पर दोबारा बताइए। ये जो सरकार है ये हिंदू विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, गरीब विरोधी है, महिला विरोधी है। महिलाएं जिंदगी जलाई जा रही है, अनुसूचित जाति के लोग की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही है, 25-25 मुसलमान मिलकर के एक किसान को मार रहे हैं, लेकिन इस सरकार कोई। तृप्ति, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन आगे कहां तक चलेगा? पैदल मार्च निकाला गया है। देखिए, हम कानून में रहते हुए अपना आक्रोश दर्ज कराना है, सरकार को जगाना है। इनके मुख्यमंत्री तो अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान का जो गुस्सा है वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान में जो कानून को फॉलो करता है उसके ऊपर ही कानून थोपा जा रहा है। आपके करोले की दंगाई अभी तक पकड़े नहीं गए। क्या पुलिस निकम्मी है? नहीं, सरकार निकम्मी है और निरंकुश है। इनके खुद के विधायक कहते हैं कि खनन माफिया के अंदर सरगना इन्हीं के हैं। ये पूरी की पूरी जो हर रोज यहाँ पर हत्याएं हो रही है, जलाया जा रहा है, चाहे बच्चे हो, महिला हो, दलित हो, वो इस वजह से क्योंकि हौसले बुलंद हो गए हैं, अपराधियों के, चरमपंथियों के हौसले बुलंद हो गए। श्वेता, तो यहाँ पर जो है
वो सभी का यही कहना है कि वो किन मुद्दों को लेकर जो चर्चा कर रही है और वो मुद्दे लेकर यहाँ पर अटक रहेंगे और खड़े रहेंगे और अपने मुद्दे जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे चलकर ये भाजपा का प्रदर्शन है, जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जय शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ता, इसके बाद रैली के रूप में सभी जो दिग्गज भाजपा के नेता हैं वो आगे बढ़े। और फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजवर्धन सिंह राठौर, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी सभी की मौजूदगी यहां पर रही। कानून व्यवस्था पर ही सवाल यहां पर खड़े किए गए। कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, बढ़ते अपराध, इसी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन है। तृप्ति लगातार हमें सब तृप्ति और क्या अपडेट, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं हिरासत में लिया जा रहा है। तो सारे ही भाजपा प्रदर्शनकारियों को इस समय हिरासत में लिया जा रहा है, जिसमें सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अरुण चतुर्वेदी तमाम नेता हैं, उन्हें बस में बैठाया जा रहा है और जो बाकी के भाजपाई है वो इससे इसको लेकर विरोध भी जता रहा है। तो अभी की अपडेट यही है कि सभी भाजपाइयों को यहाँ पे हिरासत में लेने का प्रयास जो है वो पुलिस कर रही है, अपना पूरा दमखम यहाँ पर दिखा रही है और उसी को लेकर यहाँ पर जो भाजपाई है उनमें आक्रोश भी नजर आ रहा है। काफी देर से वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक सारे ही प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे। 3 बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए थे, 3 लेवल बैरिकेडिंग थी, जिनमें से 2 लेवल बैरिकेड को वो तोड़ चुके थे और अब तीसरे बैरिकेड पे उन्हें पुलिस ने रोका और हम इनसे बात करने का भी यहाँ पर, बट श्वेता अभी जो अपडेट है वो यही है कि पुलिस पूरा अपना दमखम दिखाकर इन्हें हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। जी श्वेता बिल्कुल, इन्हें डिटेन किया गया, लेकिन यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे तृप्ति, इन्हें इसे लेकर कोई जानकारी? जी श्वेता एक बार इन्हें यहाँ से ले जाने की जो तैयारी है वो अभी चल रही है, थोड़ी देर में हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन्हें यहाँ से ले जाकर कहाँ ले जाया जाएगा। अभी क्योंकि जिस तरह का आक्रोश भाजपाइयों में है, इन्हें यहाँ से ले जाना आसान नहीं लग रहा, सारे पुलिस ले जाने की प्रयास करिए, लेकिन जितना आक्रोश अभी भाजपा ही दिखा रहा है उसको लेकर अभी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि इनको यहाँ से लेकर आखिर कहाँ ले जाएगा। बिल्कुल, और बाकी जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं उनको कैसे कंट्रोल में किया जा रहा है? पुलिस दिग्गज नेताओं को तो हिरासत में ले रही, डिटेन कर रही है, लेकिन बाकी ये जो भीड़ एकत्रित है उसके लिए क्या पुलिस जाब्ता पर्याप्त है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पुलिस जाब्ते की मैं बात करूँ तो पुलिस जाब्ता पूरी तरह से यहाँ पे पर्याप्त है, बहुत अच्छी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से भाजपाइयों को रोकना यहाँ पर मुमकिन हो पाया है। 2 बैरिकेड वो तोड़ने में सफल रहे, लेकिन 3 बैरिकेड पर पूरी की पूरी जाब्ता वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर वो लोग पुलिस के आगे आगे नहीं बढ़ पाए और उसको लेकर ये भी कह सकते अभी भी जो है सारे नेताओं को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया, लेकिन जो भाजपाई है उनको रोकने में पुलिस यहाँ पर काफी सफल नजर आ रही है कि उनके आक्रोश को वो यहाँ पर रोक पा रही है। और अब आगे पुलिस जो है वो उन भाजपाइयों को रोककर खड़ी है ताकि जो ये बस है वो आगे जा पाए, जहाँ इन्हें ले जाया जा रहा है वहाँ के लिए बस निकलने को रवाना हो सके, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर पूरा अपना दम लगा रही है। जी श्वेता बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष में है और सवाल उठाए जाते रहे बढ़ते अपराधों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, इसी को लेकर ये प्रदर्शन, अब क्या इन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा है उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म माना जाए? कार्यकर्ताओं को कैसे नियंत्रित कर रही है पुलिस? जी श्वेता, कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने में पुलिस पूरी तरह से सफल है कि उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा, उनसे बात भी नहीं करने दी जा रही है नेताओं से और उन लोगों को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रोका जा रहा है, पूरे बल के साथ वहाँ पे रोका जा रहा है। और अब ये प्रदर्शन जहाँ तक लगता है अगर ये पद यहाँ पे रवाना हो गई नहीं जाएगा तो ये प्रदर्शन शायद यहीं पे थोड़ा कमजोर पड़ जाए, शायद खत्म भी हो जाए, तो ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है या इनके जाने के बाद में प्रदर्शन यहाँ पर रुकता है। जी श्वेता चलिए बिल्कुल, तृप्ति तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, डिटेन करने के बाद बस में बैठाया जा रहा है, इसके बावजूद भी आवाज नारेबाजी का दौर जारी है और एकजुटता यहां दिखाई जा रही है, बार बार सरकार पर प्रहार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और इसी के तहत ही ये प्रदर्शन भी किया गया। और कौन से नेता है तृप्ति जो इस प्रदर्शन में शामिल रहे? 2 से 3 नेता तो जिनकी तस्वीरें हमें नजर आ रही है, लेकिन क्या बीजेपी से सिर्फ इतने ही लोग थे प्रदर्शन के लिए?
जी बिल्कुल, सपा के नेताओं की बात करें तो अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर मौजूद थे सतीश सूर्या, यहाँ पर मौजूद थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी भाजपा कार्यालय से प्रदर्शन में जुड़े थे, और बाकी जो नेता है सारे के सारे शहीद स्मारक से ही प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने कई लोगों के साथ में भाजपा कार्यालय से इस प्रदर्शन में जुड़े और आने के बाद में यहाँ पर धरने पर बैठ गए, अपनी जो सारी मांगे थी वो सबके सामने रखी। तो यही सारे प्रदर्शन की प्रदर्शन था जो आज भाजपा द्वारा यहाँ पर किया गया, अपना आक्रोश यहाँ पर प्रकट किया गया, कई मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, सरकार को लेकर कई चीजों को सरकार को घेरा कई चीजों को लेकर, और अपनी जो बातें थी कटाक्ष भी सरकार पर बोले। जी सर बिल्कुल, तो दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे, प्रदर्शन का दौर जारी रहा जहां इन्होंने धरना भी दिया, और उसके बाद जब ये मार्च आगे बढ़ रहा था उसके बाद पुलिस ने इन्हें डिटेन किया है। ये तस्वीरें जहां घनश्याम तिवारी नजर आ रहे हैं, बस में उन्हें बैठाया गया है, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर सतीश पुनिया भी बस में नजर आ रहे हैं। यहाँ इन नेताओं को डिटेन किया गया है और इसके बाद इन्हें कहीं दूर ले जाकर छोड़ा जाएगा, लेकिन यहां से कार्यकर्ताओं को हटाने की भी कोशिश पुलिस यहां कर रही है ताकि इस प्रदर्शन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाती रही है बीजेपी विपक्ष के तौर पर प्रदेश में, जिन घटनाओं को लेकर आवाज बुलंद करती रही, और उसके बाद अब आज ये प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। कितना सफल प्रदर्शन रहा है बीजेपी का ये तृप्ति? अगर मैं ये कहूँ श्वेता कि कितना सफल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने में सफल यहाँ पर नजर आई है। जितनी भीड़ वो कह रही थी, जितने कार्यकर्ताओं की बात वो कर रहे थे, उतना नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी संख्या में सारे भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए। नेताओं की अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर पूरे जोर शोर के साथ में नजर आए, सभी लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित तरीके से शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइन तक यहाँ पर नजर आए, और उनके जो नारे थे वो एक ही थे कि सरकार जो कार्य कर रही है वो सक्षम नहीं है, सरकार द्वारा सरकार की बहुत सी कार्य है जिन पर सवाल उठाए जा रहे, सवाल या निशान है, उनको लेकर वो पूरे शहीद स्मारक तक सिविल लाइन तक आए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपको इस प्रदर्शन में नजर आए होंगे श्रद्धा। औरतों की जो संख्या थी वो भी पूरी यहाँ पर थी, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि भाजपा का ये जो प्रदर्शन है वो थोड़े हद तक सफल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की भाजपा कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मांगे थी, जिस तरीके से उन्होंने आक्रोशित तरीके से अपनी मांगों को यहाँ पर रखा, भी देखना सही होगा कि आगे क्या होता है। चलिए बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका इस पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकी।